राम राम किसान मित्रों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डी आर एग्रीकल्चर सैनी में। किसान मित्रों, मैं आपका मित्र राजकुमार सैनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। किसान मित्रों, देखिए आज का हमारा विषय है अरबी की खेती के बारे में। किसान साथियों, देखिए अरबी में एक बहुत ही बड़ी समस्या देखने को इसमें मिल रही है। अरबी में सुंडी का जो प्रकोप है वो जा ही नहीं रहा। वैसे मैं आपको देखिए बता दूँ, अरबी के अंदर सुंडी के अलावा कोई सी भी समस्या नहीं आती, ना ही इसके अंदर भुनका लगता है, ना ही इसके अंदर माइट्स आती है, ना ही इसके अंदर फंगस आती है। इसके अंदर सिर्फ एक ही समस्या आती है, वो है सुंडी की समस्या। और इस समय काफ़ी सारे किसानों में कमेंट्स भी आ रहे थे कि सुंडी जो है अरबी की जा ही नहीं रही, क्यों नहीं जा रही, किस वजह से नहीं जा रही। इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप अरबी की सुंडी किस प्रकार ख़त्म कर सकते हैं। आइए, मैं अपने गाँव में ही एक खेत घूम कर आया तो मैंने देखा कि वो पूरा खेत जो है पूरा तबाह हो चुका है सुंडी की वजह से। क्योंकि सुंडी क्या करती है, जो प्लांट्स के पत्ते होते हैं सैल को खाती है, और सैल को इस तरीके से खाती है कि वो प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं सारे सुखा डालती है। मैं आपको अपने खेत का लाइव डेमो दिखाऊंगा। चलिए अब मैं आपको सीधे ले जाता हूं अपने खेत पर, आपको दिखाता हूं कि किस तरीके अरबी में सुंडी का प्रकोप होता है। तो किसान मित्र, देखिए अब हम पहुंच चुके हैं अपने खेत पर। आप देख रहे हैं कि अरबी में सुंडी ने क्या हाल किया है। इसके एक एक पत्ते पर आप देख सकते हैं 50-50, 100-100 सुंडियाँ एक एक पेड़ पर हैं, आप देख सकते हैं। और किस तरीके से जो है सुंडी ने अरबी के पत्तों को खा लिया है, इसके पत्ते सूखने लगे हैं और धीरे धीरे करके ये, अगर आपने 4 से 5 दिन में इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये क्या करता है, पूरी फसल को ख़राब कर डालती है, पूरी जो आपकी क्रॉप होती है चौपट हो जाती है। अब बहुत सारे किसान कहते हैं कि अरबी की सुंडी भैया मरती नहीं है, दवाई लगाते हैं कोई रिजल्ट नहीं मिलता। देखिए क्यों नहीं मिलता, मैं आपको बता दूँ। बेसिकली किसान कहते हैं, आपको एक चीज़ समझनी होगी, अरबी का पत्ता होता है वो बिल्कुल एक तरीके से मैं कहता हूँ चिकना होता है। अगर उसमें आप पानी की एक बूंद भी डालोगे तो उस पर पानी की बूंद भी रुकती नहीं है। यही कारण है कि आप कोई भी दवाई का स्प्रे करते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों, किसान जाति क्या करते हैं, कोई भी कोई भी दवाई ले आते हैं मार्केट से और बस उसका स्प्रे कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो दवाई जैसे आपने स्प्रे किया अरबी के पत्तों पर दवाई रुकती नहीं है, उसका कोई रिजल्ट आपको प्रॉपर मिलता नहीं है। तो देखिए आपको करना है क्या, मैं तीन इसके लिए आपको बहुत ही बढ़िया दवाई बताऊँगा, रासायनिक दवाई जिसका आप यूज़ करके सुंडी को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको स्टीकर या शैम्पू का इस्तेमाल ज़रूर करना है। देखिए किसान जाति, मैं आपको बता दूँ, अगर स्टीकर की जगह आप अगर शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। क्यों, क्योंकि शैम्पू से देखिए बबल्स बनते हैं, बबल्स का मतलब है झाग, और जब झाग बनते हैं तो आपका अगर पत्ता चिकना भी है, झाग थोड़े ना थोड़े कहीं ना कहीं वो उससे रुक जाते हैं और दवाई आपके पत्ते में थोड़ी बहुत चिपक जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल जाता है और आप आसानी से जो अरबी की सुंडी को ख़त्म कर सकते हैं। वहीं मैं स्टीकर की बात करूँ तो स्टीकर में बबल्स नहीं बनते हैं, इस वजह से स्टीकर जो है अरबी के पत्ते ज़्यादा चिकने होने की वजह से, निचले होने की वजह से दवाई बिल्कुल भी नहीं रुकती है, जिस वजह से सुंडी पर दवाई नहीं रुकती और आपकी जो दवा है वो बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो मैं अभी लाइव स्प्रे लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं अरबी में किस तरीके से मैंने शैम्पू लिया है, इसमें शैम्पू मिलाया और दवाई ली। तो दवाई देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो तीन दवाई मैंने आप सेलेक्ट की, तीन में से आप कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर देखिए आप प्रोफेक्स सुपर ले सकते हैं, जिसके अंदर प्रोफेनोफॉस 40% और साइपरमेथ्रिन 5% होता है, ये आप ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया दवाई। यही प्रोफेक्स मैंने इसलिए चुना है, प्रोफेक्स जो होता है थोड़ा तेज़ होता है, क्योंकि उसमें साइपर होती है 4%। तो आप प्रोफेक्स का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी भी दवाई अगर आपकी सुंडी के ऊपर चली गई लगाते लगाते भी, तो क्या करते हैं दवाई तेज़ होती है, जिससे क्या होगी आपकी सुंडी होगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में देखिए आप कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोराजन ले सकते हैं। अगर आप प्रोफेक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो आप कोराजन ले सकते हैं, जो कि FMC की आती है वो आप ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत ही प्रॉपर रेट देगी और आपकी जो अरबी की सुंडी है वो मर जाएगी। तीसरे नंबर में मैंने अपनी दवाई सेलेक्ट की है, वो आप देखिए ग्रेस ग्रो कंपनी की आती है, बायोडोज मैंग नाम से दवाई, वो भी बहुत बढ़िया है, आप वो ले सकते हैं, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा रेट मिलेगा। लेकिन एक चीज़ देखिए आप ध्यान रखें, कोई सी दवाई लें में दवाई के साथ आपको शैम्पू का इस्तेमाल ज़रूर करना है। एक टंकी में आपको मात्र एक रुपये का एक शैम्पू लेना है, जो कि आपको स्टीकर से काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो आपको शैम्पू का इस्तेमाल ज़रूर करना है अगर आपको प्रॉपर रेट लेना है तो। और दवाई का शेड्यूल देखिए बता दूँ, दवाई को जो आपको स्प्रे करना है या तो आप सुबह मॉर्निंग में करें या फिर शाम में करें। बहुत सारे किसान साथी हमारे क्या करते हैं, दोपहर में स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर रेट नहीं मिलता, क्योंकि दोपहर में जो है टेम्परेचर गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से दवाई का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और दवाई जो है प्रॉपर रेट नहीं दे पाती। इसलिए किसान साथियों, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा ये सजेशन करता हूँ कि दवाई का आप जब भी स्प्रे करें खासकर शाम में करें। अगर 5 बजे के बाद आप स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रेट मिलता है। क्यों, देखिए शाम के समय टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, और इस समय टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो अगर आप दोपहर में स्प्रे करते हैं तो आपको प्रॉपर रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि दवाई का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिस वजह से वो दवाई काम नहीं करती। और दूसरी चीज़, अगर आप सुबह शाम में स्प्रे करते हैं तो सुंडी क्या होती है आपको पत्ते के ऊपर मिलेगी, जब वहीं क्या होता है दोपहर में धूप की वजह से सुंडी क्या होती है नीचे चली जाती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सुबह या शाम दोनों में से किसी भी समय स्प्रे करें, अगर आप शाम में करें तो बहुत ही अच्छा, आपको बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा।
और स्प्रे करते समय किसान देखिए एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको प्रॉपर स्प्रे इस तरीके से करना है जो आपका प्लांट से पूरी तरीके से भीग जाए। और आपको शैम्पू जरूर मिलाना है, क्योंकि शैम्पू मैंने आपको बताया शैम्पू से क्या होता है बबल्स बनते हैं, और जब बबल्स बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके पत्ते पर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से सुंडी आसानी से मर जाती है। क्योंकि देखिए अरबी में इसके अलावा कोई समस्या नहीं आती, और अरबी में सुंडी जो बहुत ही गंभीर समस्या है, अगर समय रहते नहीं गौर करें तो इसकी अरबी में सुंडी क्या करती है पूरे प्लांट्स के पत्तों को खा जाती है, और देखते देखते आपकी फसल पूरी चौपट हो जाती है, 4 से 5 दिन के अंदर ही सारे अरबी के पत्ते खत्म हो जाते हैं। तो किसान में देखिए जानकारी पहले थोड़ा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, धन्यवाद।